अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे, आमीन। ले जी, एक और मॉर्निंग। ये मैं बना रही हूँ नाश्ता और साथ में मैं खाना भी बना रही हूँ। चूल्हा एक है, पहले मैंने चने रखे थे, वो बॉयल हो गए हैं, गल गए हैं, तो अभी उनको भूनूंगी। पहले उससे पहले मैं नाश्ता तैयार कर लूँ। पराठे बना रही हूँ मैं। आज मैंने जाना है गुजरात, तो ये बच्चों के लिए नाश्ता और खाना बना के तो फिर मैंने तैयार होना है ले जाने के लिए। 11 बजे तकरीबन हम चले जाएंगे, क्योंकि आज जो है मैंने जाना है मिलने एक बहुत ही प्यारे से स्पेशल से मेरे भतीजे को, जो कि आया है जर्मनी से। रात को वो आया है अपनी वाइफ के साथ और मैं उसको मिलने जा रही हूँ। ये मेरे सबसे बड़े भाई आसिफ का बेटा है, फैमिली का सबसे बड़ा बच्चा। मेरे लिए तो वो बच्चा ही रहेगा सारी ज़िंदगी, क्योंकि मेरे साथ उसके साथ मेरा एक खास लगाव है। मैंने उसको एक पाला हुआ है एक माँ की तरह, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। तो वो आया हुआ है, उसको मिलने के लिए मैंने जाना है आसिफ के साथ। बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी अपनी अपनी मसरूफियात है। दो बेटियों ने बर्थडे पे जाना है, एक का कल टेस्ट है, पेपर हो रहे हैं उसके। तो एक बेटा जो है वो उसका सारा दिन क्रिकेट का है, तो वो तो नहीं जाएंगे। वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला फिर प्रोग्राम बनाएंगे उनके साथ। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं, क्योंकि आसिफ को भी कुछ काम है हम वहाँ पे, तो साथ हम शवेज को मिल लेंगे। शवेज रज़ा मेरे भतीजे का नाम है। ये है चने, इनको मैंने प्रेशर लगा दिया था, ये गल गए हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह से भून के इसका सालन तैयार कर लूँगी। साथ साथ मैं नाश्ता करती हूँ और रेडी होती हूँ, चीज़ें समेट जाऊँगी घर की। बाकी काम जो है ना वो मेरी बेटियाँ कर लेंगी, क्लीनिंग वगैरह। तो अभी मैं जो है वो मैं नाश्ता करती हूँ और रेडी होती हूँ, क्योंकि 10 तो बजने वाले हैं और 11 का हमारा टारगेट है निकलने का। तो तैयार होने तक इतना टाइम जो है ना वो लग ही जाएगा। चले मैं तैयार होती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। ले जी, चने तो भून गए हैं बहुत अच्छे से। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और जितनी देर में मैं तैयार होंगी उतनी देर में ये पकते रहेंगे और बहुत अच्छे मज़े के ये बन जाएंगे। ले जी, मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। बस 5 मिनट में हम निकलने लगे हैं, तो मिलते हैं आपको गुजरात में। ये इधर मैं आई हूँ अब केक लेने के लिए, जाके केक लेती हैं बेकरी से। ये वाला केक हमने लिया है। हम आ गए हैं और ये मैं मिलवाऊँ आपको अपने भतीजे से, शावेज रज़ा। ये है जो कि आए हैं जर्मनी से, माशाल्लाह। ये है मेरी जान बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, इतना बड़ा हो गया लेकिन मेरे लिए बच्चा। तो ये हो रही है हमारी हाथत वाजा, इतनी देर सारी चीज़ें भाभी ने दाल बनाई हुई है। हाँ जी हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा। ले जी, हम किचन में आ रहे हैं जहाँ पे खाने बन रहे हैं, तैयारी हो रही है। ये है जी सुगरा, ये देखे मिले, ये बना रही है। क्या बना रही हो? मैं प्याज काट रही हूँ। अच्छा, प्याज काट रही हो। ये है देश का खाली, जिसने अभी भरना है, इसमें कुछ पकना है, उसकी तैयारी हो रही है। आज असल में सारी फैमिली यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, भाभी ने सबको इन्वाइट किया, भाई और भाभी ने सबका खाना है, तो ये उसकी तैयारी हो रही है। रेसिपी बुक भी इधर पड़ी हुई है और ये देखें जी, हम इधर से सबको सलाम दुआएं ढेर सारी और हम कर रहे हैं काम, देख रहे हैं और हम काट रहे हैं प्याज, उसके बाद हम धोएंगे बर्तन। चले जी ठीक है, ओके जी। ले जी, अभी हम फिर बाहर आ जाते हैं। उसका वाकई बड़ा छोटा सा, इधर तो
ये देखें जी अम्मी को ठंड लग रही है। हाँ सर्दी तो बहुत ज़्यादा। तबीयत ही ठीक है ना? हाँ जी वैसे सर्दी लग रही है। अपने पोते को मिलने आई है ना? लो जी भाभी कर रही हैं मटन कबाब फ्राई। मटन कबाब फ्राई कर रही हैं और ये हैं वेजिटेबल राइस आसिफ के लिए। ये जी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, मेरी भतीजी आयशा ने बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त कॉफ़ी। जाओ जी। ले जी अब हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अच्छा जी अल्लाह हाफिज। अच्छा जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगेबान। मिलते हैं फिर आपसे फिर किसी व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।